गई है जी जी मस्जिद। पहले ये है जी इसकी एंट्रेंस, एंटर होते साथ ही आपको दाएं तरफ मिलेगी पार्किंग, आते हुए राइट साइड पे आपको एक मिज़ार मिलेगा। मिज़ार का जो नाम है वो लिखा होगा यहाँ पे, हज़रत बाबा गुलाम हैदर साईं अल मरूफ कंबल वाली सरकार। उसके बाद गेट से एंट्री करते वक्त आपको जो लाहौर फोर्ट शाही किले का ये एरो मिल रहा होगा कि इस तरफ शाही किला है। सबसे पहले हम जाएंगे जी मीनार पाकिस्तान, आपको मीनार पाकिस्तान दिखाएंगे। और चूँकि रात के वक्त जो शाही किला का व्यू है बहुत खूबसूरत है, लाल इंटें लाइटों के साथ बहुत खूबसूरत लगती हैं, मैं आपको वो विज़िट करवाऊंगा, एक्सप्लोर करवाऊंगा और आप उनको देखिएगा। आवाम जा रही है और हम आपको दिखाएंगे लाहौर में डूबती शाम के नज़ारे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप सो यू आर ऑल फाइन। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा यार थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर करवाए और इसी तरह कीप सपोर्टिंग यार। मैं इस टाइम आया हुआ हूँ ग्रेटर इकबाल पार्क और सबसे पहले मैं आपको शो करवाऊँगा ग्रेटर इकबाल पार्क, मीनार पाकिस्तान और देन आपको शाही किले की एक्सप्लोर करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा बादशाही मस्जिद। सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मीनार पाकिस्तान जो कि लाहौर शहर में इस टाइम जान डाल रहा है। तो यार सबसे पहले देखते हैं वो, लेट्स सी यार। एक्चुअली यार व्यूवर्स आज की वीडियो दिखाने का मकसद ये है, आपको लाहौर में डूबती हुई शाम दिखाएंगे, बहुत से खूबसूरत व्यूज़ दिखाएंगे आपको। और अभी मैं जाने जा रहा हूँ, आपको आपने देखे इधर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं बच्चों के लिए, तो अब मैं जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मीनार पाकिस्तान का व्यू, जिस टाइम फॉग में थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा आपको ये चीज़। सो फाइनली व्यूवर्स राइट नाउ आई एम जस्ट नियर कायदे आजम पट्ठा। अच्छा यार व्यूवर्स फाइनली मैं कायदे आजम पट्ठा के करीब पहुंच चुका हूं, तो आपको दिखाते हैं इसका व्यू। ये है यार इसका खूबसूरत व्यू, ये इसका यार नाइट का व्यू है इस टाइम। अभी अभी मगरिब की अजान हुई है और ये आप देख सकते हैं, और थोड़े ही मेरे लेफ्ट साइड पे बादशाही मस्जिद का व्यू है। और बादशाही मस्जिद बहुत ही खूबसूरत व्यू देती है रात टाइम, क्योंकि उसकी रेड कलर की ईंटें हैं तो जब वो लाइट उसके ऊपर अकासी करती है क्या ही बात है। तो चलते हैं यार टाइम वेस्ट किए बगैर, सबसे पहले हम आपको विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह शाही किला, देन आपको बादशाही मस्जिद एक्सप्लोर करवाऊँगा।
गली एंट्रेंस आ रही है सबसे पहले, और राइट साइड पे मेरे गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा साहिब शहीदी असलम श्री गुरु, ये ऊपर यार लिखी हुई है हिंदी जुबान, जो मेरे व्यूअर्स इंडिया से देख रहे हैं ना वो मुझे बताएंगे क्या लिखा हुआ है। और राइट फ्रंट वाली साइड जो है वो बादशाही मस्जिद, और लेफ्ट साइड शाही किला है। अच्छा यार, बदकिस्मती से हुआ ये है कि शाही किला जो है वो 4 बजे बंद होता था, तो मैं लेट हो चुका हूँ। अब ये है कि हम आपको दिखाएंगे, बट ये है कि ये इसकी एंट्रेंस थी, फिर कभी सही आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इस वाली साइड पे मेरे बादशाही मस्जिद है, और लेफ्ट वाली साइड पे दिखाया जाए तो ये है शाही किला का गेट, जो कि ये बंद होता है और दूसरा इन्होंने ओपन किया हुआ है। तो चलते हैं यार और आपको दिखाते हैं बादशाही मस्जिद। यार ये शाही किले की दीवार है, ये तो चले इन्होंने पेंट किया हुआ है, बाकी जो रेड दीवारें हैं वो बहुत खूबसूरत लगती हैं लाइटिंग में, बट यार अब वो क्लोज हो चुका है, हमको दिखा नहीं पाया, तो यहीं से आप थोड़ा सा टच चेक कर लें इसका। यार व्यूअर्स, ये जो आपको मकबरा सा नज़र आ रहा है, ये हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान जो कि इलामा मोहम्मद इकबाल, इलामा इकबाल का है, जो कि हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान भी हैं और कौमी शायर भी हैं, और साथ ही बादशाही मस्जिद का मेन गेट है। तो चलते हैं और आपको वो दिखाता हूँ जाके। तो फाइनली व्यूअर्स, ये है इसका इंटीरियर, बहुत ही खूबसूरत व्यू पेश कर रहा है जो कि शाम के टाइम। चाहे अभी बस सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि शाही किला तो हमारा मिस हो गया है, बादशाही मस्जिद मैंने आपको एक्सप्लोर करवा दी जितनी कि मैं करवा सकता था शाम के टाइम। अभी मैं जाता हूँ आपको साथ वाली हवेली वाली गली दिखाते हैं, और फिर उसके बाद हम करेंगे वहीं पे व्लॉग एंड। उम्मीद करता हूँ आप व्लॉग पसंद करते होंगे हमारे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर चेयर व्यूअर्स, अभी मुझे ज़रा इजाज़त दें, मैं जा रहा हूँ दफ्तर, जा रहा हूँ ऑफिस, बड़ा ज़रूरी काम। कौन कौन समझा?
अच्छा यार व्यूअर्स, ऑफिस से मैं फ्री हो चुका हूँ, तो अब चलते हैं यार, आपको हवेली वाली गली दिखाते हैं। यार इसका जो सबसे खूबसूरत एग्जिट लगता है वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत और पुराना गेट लगा हुआ है यहाँ पे। बहुत ही यार एंटीक है, बहुत ही VIP बनाया हुआ है इन्होंने। सबसे खूबसूरत एग्जिट मुझे ये लगती है, आपको दिखाते हैं साथ साथ, क्योंकि इसके सामने यार अभी आपको दिखाता हूँ वापसी भी। यहाँ पे हवेली रेस्टोरेंट है बहुत खूबसूरत। Because right now I gonna show you the food street of Lahore, बहुत ही खूबसूरत। मेरे right side पे restaurants से बनाया हुआ है यहाँ पे table बैठने के लिए, खाने के लिए। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लाहौर का सबसे मशहूर restaurant, हवेली restaurant। ये है जी सबसे एंटीक और खूबसूरत रेस्टोरेंट लाहौर का, पुराना और खूबसूरत। सलाम करें, सर को सलाम करें, इन मैडम सर को सलाम करें, बच्चों को करें, और जान
दिल खोल के डांस करना, जैसे आप है वैसे ही नाम दे के जाएंगे आप। लोर लोर है, कमेंट से दसो यार बाकी वाले भी। बाकी यार आज का जो व्लॉग था ना, मैं आउट बाय साइड पे आ गया हूँ, तो आज का व्लॉग यहीं पे था। उम्मीद करता हूँ आपको ना व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आए ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।